दिवाली आ रही है फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है, बहुत सारे काम ला रही है साथ में, साथ ही साथ बच्चों के वेकेशंस आ रहे हैं, दिवाली वेकेशंस। तो किस तरह हम दिवाली वेकेशंस पे उनको एंगेज करके रख सकते हैं, क्या हम, क्योंकि हम उनको टाइम नहीं दे पाते, हमारे जो दिवाली रिलेटेड काम बहुत ज्यादा होते हैं ना, उनको हम बाहर ले जा पाते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो इस वीडियो में मैं आज यही शेयर करने वाली हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लिशा विजन क्रिएटिविटी, माय सेल्फ लिशा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू एंगेज अवर किड्स ड्यूरिंग दिवाली वेकेशंस, क्या कुछ हम कर सकते हैं उनको एंगेज करने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा लाती हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, अब आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ दिवाली पे आप अपने बच्चों को किस तरह एंगेज करके रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दिवाली पे प्लीज अपने बच्चों को फटाकों से दूर रखिए, ना ही आप उनको खरीद के दीजिए, छोटे मोटे क्रैकर्स या फुलझड़िया वगैरह है तो ठीक है, वहां तक ओके है, उनकी खुशी के लिए आप इतना कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़े फटाके, रॉकेट्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, ये सब आप प्लीज, उनको हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज मत खरीद के दीजिए। वो जो पैसे आप अगर उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीजें अगर वहां से पैसे बच रहे हैं, तो आप प्लीज किसी की जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प आप किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज वहां पर पैसे वेस्ट ना करते हुए जरूरतमंद को आप वो पैसे दे सकते हैं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ, पैसे मैं फटाकों के पीछे स्पेशली ज्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो होता ही है, और आपके बच्चों के लिए वो थोड़ा सा हार्मफुल भी है, कहीं जल बल गए, कुछ लग गया तो वो हर्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो प्लीज आप अपने बच्चों को फटाके से दूर रखिए, ये सबसे फर्स्टली मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती थी। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से दिवाली पे हम हमारे बच्चों को एंगेज करके रखेंगे। सबसे फर्स्टली दिवाली, दिवाली का मतलब होता है दियाज, 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 तो हम दियाज लाएंगे, तो डेकोरेटेड दियाज ना लाते हुए हम नॉर्मल सिंपल दियाज, जो मिट्टी के दियाज होते हैं, वो ले आएंगे, और उसको हम डीआईवाई करके हम अपने घर पे अलग अलग तरीके से डेकोरेट करेंगे। आप अपने बच्चों को इस तरीके से दियाज दे देंगे और उसको पेंट करने के लिए उनके जो एक्रिलिक पेंट्स होते हैं वो कलर्स दे दीजिए, या नॉर्मल कलर्स होते हैं उसको आप दे दीजिए, उससे वो दियाज पेंट करेंगे। फिर आप उनको ईयरबड से इस तरीके से हेल्प से आप बता सकते हैं किस तरीके से डिजाइन बनाए, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं कि उनको परफेक्ट ही बनाना है, भले ही वो थोड़ा सा 19-20 बनाए, लेकिन उनको एंगेज करके रखना है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट दियाज बना सकते हैं और अपने बच्चों को एंगेज करके रख सकते हैं, ताकि वो दियाज भी बन जाए और आपके बच्चे भी आप बिल्कुल मतलब एंगेज रहे और खुश रहे, और आपका टाइम उनको जो देना पड़ रहा है वो ना देते हुए वो भी एंगेज कि खुश रहे इससे। तो ये फर्स्टली हो गया कि हम दिया डेकोरेशन में हमारे बच्चों की हेल्प लेंगे। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं कि दिवाली है मतलब भाई हम लैंटर्न्स बनाते हैं, बाहर से खरीद के ना लाते हुए घर पे हम लैंटर्न्स बनाएंगे, टीवी लाइट्स बनाएंगे या आकाश कंडल बनाएंगे, तो हम हमारे बच्चों की उसमें हेल्प लेंगे। तो इस तरीके से मैं अलग अलग टाइप के कंडल्स बनाती हूँ अपने बच्चों की हेल्प से, और उनको भी एंगेज करके रखती हूँ, ताकि वेकेशंस में वो थोड़े से बोर ना हो और कुछ नई चीजें सीख ले वो मेरे साथ, और मुझे उनको अलग से टाइम ना देना पड़े, मेरे ही टाइम में वो मेरे साथ एंगेज रहे और कुछ सीख ले। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें मैं उनको दे देती हूँ, शीट्स दे देती हूँ, उनको बोलती हूँ इस तरीके से, एक बता देती हूँ मैं उनको इस तरीके से कट करना है आपको, फिर उसको इस तरीके से आपको फेविकॉल से चिपकाना है, भले ही वो कैसा भी बनाए लेकिन वो एंगेज तो रहेंगे, फिर आपको उनको प्रॉपरली प्रेजेंटेबल आप उनको थोड़ा सा कर सकते हैं अपने हिसाब से, भले वो किस तरीके से बना रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट वो एंगेज तो है, ये मैटर करता है। तो दिवाली वेकेशन पे हम सेकेंडली हमारे बच्चों को लैंटर्न से अलग अलग चीजें, डेकोरेटिव चीजें बनाने में हम हमारे बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। नाउ थर्डली मैं बात कर लेती हूँ, दिवाली है भाई तो रंगोली तो बनाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है रंगोली, 1-2 घंटा तो लग ही जाता है रंगोली में, तो उसमें भी हम हमारे बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। छोटी मोटी चीजें अगर वहां करनी है, कुछ डिजाइन्स बनानी है, आजकल हम ईयरबड्स या स्पून्स की हेल्प से या बहुत ऐसे छोटे छोटे टूल्स है उनकी हेल्प से हम रंगोली बनाते हैं, चाहे संस्कार रंगोली हो गई, चाहे मतलब पेंटिंग्स कुछ ऐसे बना ले हम, तो उस तरीके से फ्री हैंड रंगोली या कुछ भी ऐसी रंगोली हम बनाते हैं, तो इस तरीके से सबसे
फर्स्टली उनको आउटलाइन बना दीजिए और उसके बाद उनको बोल दीजिए कि इसमें ये कलर फिल करना है, इसमें ये कलर, ऐसे अलग अलग कलर्स आप उनको एक एक डॉट बना के दे दीजिए, वो फिर उस पे वो कलर्स फिल कर देंगे। तो आपका काम तो बहुत आसान हो जाएगा और फिर वो जो जैसे ही उन्होंने बनाई है, जैसे बनाई है, बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कहीं बाहर कुछ निकल गया है या उसको प्रेजेंटेबल आप बना दीजिए, तो उन आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा और प्रेजेंटेबल भी बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। तो इस तरीके से रंगोली बनाने में भी आप अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। नाउ नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं कि दिवाली है भाई तो हम तोरण लगाएंगे घर पे, अपने दरवाजे पे अलग अलग चीजें हम डेकोरेटिव लगाते हैं दरवाजे पे, तो तोरण बनाने में भी हम हमारे बच्चों की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि तोरण अगर हम नॉर्मल आम के पत्तों का बना रहे तो भी उनको बता दीजिए कि इस तरीके से बनाया जाता है, उनको एंगेज करके रखेंगे हम, तोरण एक आप उनको दिखा दीजिए फिर वो कैसे भी बनाए आप प्लीज। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हमें कोई कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना, अपने घर को सजाना है, तो अपने बच्चों के हाथ की चीजें बनाई हुई अगर हम सजाते उससे बेटर, उससे ज्यादा खुशी तो हमें कुछ मिल ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से तोरण बनाने में, या आप अगर नॉर्मल कार्डबोर्ड के हेल्प से अगर कोई तोरण बनाने, कुछ डेकोरेटिव पीसेस लगा रहे, कुछ मोती लटकन लगा रहे, तो वहां भी आप अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से तोरण बनाने में भी आप अपने बच्चों की हेल्प लेंगी ताकि वो एंगेज रहे और कुछ नया भी सीख ले और आपके घर में सजावट की सजावट भी हो जाए। और लास्टली मैं बात कर लेती हूँ, दिवाली है भाई तो दिवाली में हमारे बच्चों को पता तो होना चाहिए दिवाली हम क्यों मनाते हैं। हमें पता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि उनको बैठ के बताए भैया दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम जी आए थे वनवास से और ये उनकी जो पूरी स्टोरी है वो हम नहीं सुना सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जिस खुशी में दिवाली हम मनाते हैं, इतने सालों से क्यों मनाते आ रहे हैं, वो सारी चीजें उनको कहीं बुक्स आजकल हमें बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है, या फिर आप न्यूज में भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में भी बहुत जगह ऐसे मतलब न्यूज छोटे छोटे न्यूज लिखे रहते हैं दिवाली से रिलेटेड, तो वो आप उनको बैठ के पढ़ने लगाइए ताकि वो बैठ के वो स्टोरीज पढ़े, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले और वो एंगेज भी रहे, बोर भी ना हो। तो ये कुछ टिप्स थे, कुछ हेल्प आप अपने बच्चों की ले सकते हैं, उनको एंगेज करके रख सकते हैं दिवाली हॉलीडेज पे स्पेशली, ताकि वो बोर ना हो और अपना उनका टाइम स्पेंड भी हो जाए बहुत अच्छे से और आपकी हेल्प भी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली नियर एंड डियर वंस, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, प्लीज डू सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।